हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल, बिल्कुल शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 और K21 News एंड इट्स ग्रेट टू बी विद यू ऑल गाइस। और हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं विंटर फीस्ट, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें हमें ये थ्रू आउट द वीक पूरा हफ्ता सर्दियों के हवाले से बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज आप जान सकेंगे, जिसमें हम हलवे भी बनाएंगे और साथ ही सर्दियों के हवाले से मजेदार रेसिपीज भी और कुन्ने की रेसिपी भी शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही इंशाल्लाह इसी हफ्ते में एक पाए की भी, मटन पाए की भी बहुत अमेजिंग रेसिपी शेयर करेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। और खुशामदीद कहते हैं दोस्तों, वन मोर टाइम आप मौजूद हैं हमारे साथ और महफिल का आगाज करते हैं। और आगाज में यही कहूंगा दोस्तों, और जो सच भी है कि जिंदगी में आपके कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यू थिंक कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और कुछ दिन ऐसे आते हैं और ये सबकी जिंदगी में जिन्हें हम बहुत ज्यादा कामयाब समझते हैं, हमें लगता है किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, सबकी जिंदगी में कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें फील करता है हमारी लाइफ मजे की नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ खराब हो रहा है, जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको सच बताऊं, ये सच नहीं होता, वो जिंदगी नहीं होती, वो आप जो सोच रहे होते हैं, जो फेस कर रहे होते हैं, जो मुकाबला कर रहे होते हैं, वो जिंदगी का एक लम्हा होता है जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है। दैट्स हाउ इट गोस। तो यही कहूंगा कि जो भी है बस सब्र करें और बेहतर लाइफ बिल्कुल हो जाती है, कुदरत का कानून इसी तरह दुनिया चलती है। वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। आज हम दो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जाएंगे, और एक तो हम बना रहे हैं दोस्तों अंडे का हलवा, और उसके बाद एक और जबरदस्त रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं, वो पालक पनीर की है। इस वीक हम फिश की रेसिपी भी शेयर करेंगे, तो सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज तरीन फिश कौन सी है, विच फिश इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी, अब जवाब देंगे कॉल करके। अब भी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है और अब आप कॉल कर सकते हैं। पहले हम आगाज करें अंडे के हलवे के साथ, और अंडे के हलवे का इंग्रेडिएंट्स आप देखिए तो आप परफेक्ट इंशाल्लाह अंडे का हलवा तैयार कर पाएंगे। और अंडे का हलवा एक हिसाब से सबसे ज्यादा मजे का हलवा होता है, बहुत जायकेदार होता है। जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसे आप ट्राई करेंगे तो मेरा आपसे वादा है आपके अंडे का हलवा बहुत ही जबरदस्त और परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। रेसिपी की जानिब चलते हैं। अंडे का हलवा बनाने के लिए अंडे यूज करने 6 अदद, खोया शामिल करना है 1 पाव, चीनी शामिल करनी है 1 पाव, यह हसबे जाएगा जितना मीठा पसंद करते हो, घी शामिल करना है 50 ग्राम, आपका भी जितना आप हाफ कप लगभग ऐड करना है इसी के अंदर। कोकोनट दोस्तों, जो लोग अगर हलवों में कोकोनट शामिल नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कोकोनट आपके खानों को हजम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा, बालों के लिए बहुत अच्छा। और यहाँ जायफल मौजूद है, दुनिया के बहुत से पेस्ट्री शेफ्स होते हैं अपने डिजर्ट में ये जायफल यूज करते हैं नटमेग, और मौजूद है बादाम पिस्ते भी बिल्कुल शामिल करने, कुछ सब्जी इलायची भी होगी। इसके अज्जा चलते हैं प्रोसेस की जानिब और आगाज करते हैं रेसिपी का। आप मौजूद है हमारे साथ और इट्स ग्रेट टू बी विद यू ऑल, यकीनन खुशी होती है आप सबके साथ, और प्रोसेस का आगाज करते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल तो जितना आप मोहब्बतें दे रहे हैं, कहीं अगर मैकेनिक के पास जाएं वहां लोग आ जाते हैं सेल्फी बनवाने के लिए, कहीं हम शॉपिंग सेंटर जा रहे हो, कहीं कॉलेज, हर जगह बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। और हमारी भी कोशिश पूरी टीम की कि जब तक ये शो चला है, जब तक हम यहाँ आए, वो बात डिस्कस की जाए जिससे आपको फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। प्रोसेस का आगाज करते हैं, ड्राई कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल को, ठीक है। और अंडे के हलवे की रेसिपी बिल्कुल शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जवाब दे रहे हैं दुनिया की फास्टेस्ट फिश कौन सी है, दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है, ठीक है। और प्रोसेस का आगाज करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें ऐड करते हैं ये अंडे शामिल करते हैं डायरेक्टली, एक बाउल भी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बाउल को जरा ड्राई कर लेते हैं परफेक्टली। अंडे के हलवे के लिए देख लीजिए आप, अंडा एक शामिल किया इसके अंदर बाउल के अंदर, और उसके बाद शामिल किया इसी के अंदर, एक ये आ चुका दूसरा अंडा ब्रेक किया,
शामिल किया। दो अंडे और ये तीसरा, ठीक है दोस्तों, शामिल किया। वन मोर फॉर वन, शामिल किया। और ये आ चुका है पांचवा अंडा दोस्तों। और बिग साइज के एक बहुत मैटर करता है, अंडे छोटे साइज के साथ भी ले सकते, लेकिन ये जबरदस्त अंडे। और ये सिक्स अंडे, छह अंडे हो चुके हैं जो हमने शामिल किया बाउल के अंदर। अंडे शामिल करने के बाद इसे आपने जरा परफेक्टली बीट करना, फेंटना, ठीक है। और इसी में सभी चीजें ऐड करना, और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है। अंडे हलवे के लिए अंडे बीट करें, और इतना बीट करना है कि ये फ्लफी और ऊपर आने लगे। देख रहे हैं हम दोस्तों, प्रोसेस बिल्कुल जारी है। छह अंडे शामिल कर चुके हैं अंडे के हलवे के लिए। दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है? विच फिश इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड? और हम जवाब दे रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल मलका फूड्स के स्पाइसेस भी यूज करने अगली रेसिपी में, जो हम पालक पनीर बनाएंगे इंशाल्लाह। अंडे बीट करें, अंडे के बाद इसी के अंदर मैं शामिल कर रहा हूं घी, लगभग हाफ कप। इसी बाउल में घी शामिल किया, इसी बाउल में शामिल कर रहा हूं कोकोनट, पिसा हुआ नारियल, ठीक है, क्रश जो होता है कुटा हुआ, और चीनी भी शामिल करते इसी के अंदर, लेकिन कुछ देर में। खोया जो मौजूद है एक पाव यूज करना है, तो हाफ खोए से जरा सा ज्यादा। इसी के अंदर खोया भी शामिल कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए खोया भी शामिल कर चुके हैं। एक जायफल उठाते हैं दोस्तों, ये जायफल नटमेग, बहुत जरा सा ऐड करना, अगर जरा सा ज्यादा हो जाए तो आपकी पूरी मेहनत जाया जा सकती है। देखिए दोस्तों, अंडे से क्रश करते हैं, जायफल को रखा एहतियात से वरना ये बहुत दूर जा सकता है। और एक जायफल अगर आप प्लीज शामिल ना कीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा करवाट आ जाएगी, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी में कितना शामिल करना आपको बताते हैं क्रश करके दोस्तों। जायफल ये से क्रश करें। सवाल पूछा दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी, जवाब दे रहे हैं अंडे का हलवा, और साथ ही पालक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, और विंटर फिश बिल्कुल यहाँ मना रहे हैं, विंटर फिश विद शेफ इकबाल ओवर हियर ऑन शेफ 21 थ्रू आउट द वीक। आप सर्दियों के हवाले से बेस्ट रेसिपी जान सकेंगे। और इतना दोस्तों जायफल ऐड करना सीखे अंदर, इतना काफी, इससे ज्यादा प्लीज शामिल ना कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं सब्ज इलायची, खोल कर आपने शामिल करनी, इसका बीज निकाल दीजिए, एक दो, और कुछ इधर ब्रेक की जाने भी चलना, लोग जवाब भी दे रहे हैं, दोनों ने बीज करनी है तैयार, तीन, और ये फोर्थ वन, चौथी इलायची भी आ चुकी है। ऐड करने के बाद से आपने मिक्स करना परफेक्टली, ठीक है। साथ ही शामिल करते हैं चीनी, ये कोई लगभग 250 ग्राम या 1 कप फुल हमने शामिल किया, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है परफेक्टली। ठीक है दोस्तों, बीट करें, और अब चलते हैं इसके प्रोसेस की जानिब, शेयर कर रहे हैं रेसिपी अंडे के हलवे की, अब मौजूद ही हमारे साथ, और कुकिंग प्रोसेस का आगाज करते हैं, ठीक है। इसे ड्राई कर लेना परफेक्टली, क्या ब्रेक है? अच्छा दोस्तों, इसे बहुत परफेक्टली बीट करना आपने। अंडे का हलवा कर रहे हैं तैयार, अंडे शामिल किए 6 अदद, चीनी शामिल की, साथ ही कोकोनट, जायफल और सब्जी इलायची, और खोया भी इसमें मिलाकर इसे हम मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद आपने सभी चीजें ऐड करने के बाद इसे कुक करना है, तो उसका प्रोसेस भी आगाज करते हैं, लेकिन साथ ही मेरे ख्याल से पालक को भी हम बॉईल करते हैं तक, क्योंकि अंडे का हलवा करना है तैयार, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पालक की जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं उसमें
पहले जरा पालक को बॉईल करते हैं, ठीक है? तो इस बॉल में ऐड कर रहा हूँ पानी। चलें दोस्तों, साथ वक्त पर छोड़ से ब्रेक का लेते हैं। ब्रेक ब्रेक के बाद अंडे के हलवे को भी कंटिन्यू करते हैं, पालक की रेसिपी भी, और जो लोग कॉल्स करना चाह रहे हैं हम सबकी कॉल्स भी लेंगे छोड़ से ब्रेक के बाद। देखते रहिए शेफ K21। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम। खुश आमदीद के हम ब्रेक के बाद जब वापस आ चुके हैं, बहुत से लोग हमें इंटरनेट पे लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। और ये हफ्ता हम सेलिब्रेट करें दोस्तों विंटर फीस्ट और सर्दियों की दावत हमारी जानिब से आप सभी दोस्तों के लिए। और आज फर्स्ट डे रेसिपी शेयर कर रहे हैं, सवाल इतना सा पूछे क्योंकि अगले दिन हम फिश भी बनाएंगे, सवाल है। और सर्दियों में ज्यादा खाई भी जाती है, सवाल है दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है, Which fish is the fastest in the world? And आप जवाब दे रहे हैं, आप अपनी कॉल्स भी लेंगे। अंडे के हलवे के लिए दोस्तों आप किलोज ही देखेंगे, ये हमने शामिल किए थे 6 अंडे शामिल किए, साथ ही इसमें हमने शामिल किया 1 पाव चीनी, 1 पाव खोया, कोकोनट शामिल किया, साथ ही हमने 1 पाव हमने कोकोनट, 6 अंडे, 1 पाव चीनी, 1 पाव खोया, सब्ज इलायची शामिल की, कोकोनट शामिल किया, जरा सा जायफल ऐड किया, और घी 1/2 कप शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं। उसके बाद सिर्फ आपने हलवे में शामिल करना और कुक करना है, लेकिन जाहिर है हमारी अगली रेसिपी का आगाज करना है, वक्त मुख्तसर है, पालक की रेसिपी, तो जरा पालक की बॉइलिंग की जानिब चलते हैं, ठीक है दोस्तों? और जवाब दे रहे हैं, पालक मौजूद है, इसका स्टिक्स रिमूव करके इसे बॉइल करते हैं। अच्छा, मौजूद ही हमारे साथ मिसेस परवेज जी, तो बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी मिसेस परवेज जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत है? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? बस मजे में, खुश। सर्दियां एंजॉय कर रही हैं मिसेस परवेज जी आप? जी मैं घर में बैठ के कर रही हूँ। जी जी, चला अच्छा, नहीं निकलती है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप घर के भी बहुत काम होते हैं मैडम। सलाम कर रही हूँ जी, आपका शो देखती हूँ रोजाना। शुक्रिया बराबर से, और मैं ये फरमाइश करना चाहती हूँ प्लीज कि आप साउथ इंडियन सूप है, कौन सा मुलगडानी, रसम, कौन सा रसम, रसम रसम RUSUM, ओके 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 ओके, वो दाल से बनती है, खट्टी खट्टी होती है जरा। जी 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 जी, बिल्कुल। और दूसरा कि आप जब सवाल करते हैं तो पूरा सवाल तो समझ में आ जाता है, आखिरी लाइन में पता नहीं चलता है कहाँ गया। आपने भी सवाल किया कि दुनिया की कौन सी फास्टेस्ट, उसके बाद क्या कहा कुछ समझ नहीं आए आपको, बता। ठीक है ठीक है, अच्छा आपने बताया, आपकी राय हम नोट कर चुके हैं।
हाँ, शुक्रिया। आप जो बात करते हैं ना जी फास्ट बोलते हैं। अच्छा, तो आधी बात समझ में आती है, आधी बात गायब हो जाती है। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल चलें। बहुत शुक्रिया आपने मुझसे बात की। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। नहीं मैडम, आप सर जो है वो बता रही हूँ। नहीं, ये मोहब्बत है आपकी, प्यार है, जवाब तो दीजिए। अच्छा जा चुकी है। दोस्तों पालक कट करते सिकंदर, ठीक है, पालक के सब पत्ते शामिल कर लें, ठीक है। और सवाल इतना सा, दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है दोस्तों? ठीक, अच्छा दुनिया की तेज, कहा जा रहा है किश्वर अब्बास साहब के मछली, दुनिया की तेज तरीन मछली कौन सी है? ठीक है, फास्टेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है दोस्तों? ये इतना सा पूछा है, विच फिश इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की तेज तरीन मछली कौन सी है? दोस्तों पत्ते शामिल करते हैं और रेसिपी का आगाज करते हैं। अच्छा इसकी आपने डंडिया स्टिक्स तो बिल्कुल आउट करनी है, स्टिक्स इसकी आउट करनी है। और अगर बात की जाए पालक की, तो पालक के बहुत ज्यादा फायदे बिल्कुल हैं दोस्तों। एक तो पहली चीज के पालक में आयरन काफी मकदार में होता है, तो आयरन की कमी से बाल भी कितने बालों के लिए बहुत अच्छी। इसे आप बॉइल करें, उबालने के लिए हमने पालक इसमें शामिल किया, ठीक है। अब बस कुछ देर में बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, बल्कि सभी पत्ते शामिल करते हैं। और पालक उबाल कर रख लिया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होता है दोस्तों, ठीक है ना। पालक अगर उबाल कर रख लिया जाए वो भी काफी बेहतर होता है, क्योंकि उबाल कर रख लिया उसे पीस लीजिए, उसके बाद ये कि आप जब भी कोई रेसिपी तैयार करनी हो, आपको गोश्त में ऐड करनी हो, एक किसी और चीज में, आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। जवाब दे रहे हैं, सिलसिला बिल्कुल जारी है। और आप देख रहे हैं शेफ 21, जरा सी क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद अब इंतजार है, बस पालक बॉयल हो जाए, बल्कि क्यों ना मंडे का हलवा तैयार कर ले तब तक, जब तक पालक पूरी बॉयल है ना दोस्तों, बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना। ठीक है, कोई गीला कोई कपड़ा हो या टिश्यू गीला में रखे ताकि बॉर्ड आपको मूव ना करे। दोस्तों चलिए चलते हैं अंडे के हलवे की जाने। यहाँ इस प्लेटर में, इसमें फ्राइंग पैन में हम शामिल करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये अंडे जो मौजूद है मिक्सर, जिसमें 6 अंडे थे, चीनी थी, कोकोनट, जरा सी जायफल, खोया, इलायची, सभी चीजें मौजूद थी, इसके अंदर हम बॉल के अंदर शामिल करते हैं। और धीमी आंच पर दोस्तों इसकी भुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी रखना। ठीक है दोस्तों, चूल्हा बिल्कुल धीमा रखना चाह रहे हैं, तेज आंच पर इसने आपने नहीं कुक करना, सिलसिला जारी है। और सीमा ने, हुमा ने, नाजिया ने फरमाइश की थी हलवे के अंडे के, तो आज हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं रेसिपी, ठीक है जी दोस्तों। इसका प्रोसेस बिल्कुल जारी है। और अच्छा कॉन्टिन्यूसली भुनाई का सिलसिला जारी रखना, और जैसे जैसे कुक होता जाएगा ये इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, जाहिर अंडा कुक होगा और इसमें आप देखेंगे बबल्स भी आ रहे हैं, सिलसिला बिल्कुल जारी है। अंडे के हलवे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सवाल पूछा दुनिया की तेज तरीन मछली कौन सी है, दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है, विच फिश इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो तैरने में भागने में सबसे तेज है, ठीक है। आप जवाब दे रहे हैं और सिलसिला बिल्कुल जारी है। और बाकी अगर बात की जाए दुनिया के जिस तरह तेज तरीन फास्ट बॉलर हमारे शुएब अख्तर, ठीक है, तो इस तरह फिश कौन सी तेज तरीन है, आप जवाब दे रहे हैं, और उसकी रफ्तार बहुत ही तेज है, ठीक है दोस्तों। अब कॉन्टिन्यूसली आपने इसका प्रोसेस जारी रखना है भुनाई का, ये देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, और सिलसिला बिल्कुल जारी, इसमें बादाम पिस्ते अब तक शामिल नहीं किए। और अच्छा साथ ही दोस्तों चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, दोनों रेसिपी शेयर कर रहे हैं,
और आपकी पार्टिसिपेशन भी होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद यहीं से मिलते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। कहते हैं अंडे का हलवा हमारा बिल्कुल हो रहा चाहिए। आप धीमी आंच पे इसके आपने बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी रखना है, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, कुछ ही देर में हमारा इंशाल्लाह हलवा हो चुका होगा तैयार। सवाल पूछा, दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है? विच फिश इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड? ठीक है, दुनिया की तेज तरीन मछली कौन सी है? और आप जवाब दे रहे हैं दोस्तों, इसकी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी रखना है और कोशिश करना है कि ये कहीं से भी सरफेस पे भी लगे ना पहले से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जरा सा भी आप ये समझिए कि इसे आप रख नहीं, इसे आप छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यूअसली बुनाई का सिलसिला जारी रखना। जरा सा घी और शामिल करो और खुशबू भी बहुत ही आला। बिल्कुल हम सेलिब्रेट करें विंटर फीस्ट ओवर हियर ऑन फेब 21 पूरा हफ्ता। थ्रू आउट दी वीक आप सर्दियों के हवाले से बेस्ट रेसिपीज जान सकेंगे, जिसमें हम पाए भी बनाएंगे, कुन्ना भी, कुछ हलवे भी बहुत मजे मजे के शेयर करेंगे रेसिपीज। ठीक है, तो आज आगाज में हम ये जो दोनों रेसिपी शामिल कर रहे हैं, अंडे का हलवा और ये पालक। और देखिए हलवा बिल्कुल तैयार हो रहा है। अगर आपको फीलो का कहीं से लग रहा हो तो आप उठा भी सकते हैं पैन को ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ चुका है, कोशिश करना ये एजेस पे लगे ना। ठीक है, साइडों पे। देखिए दोस्तों, आप देखिए इसका टेक्सचर कितना जबरदस्त हो चुका है अंडे हलवे का, और आप ट्राई करेंगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्तों आपसे कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा देर भुनाई करते हैं अंडे हलवे की। वंस इसका टेक्सचर आ जाए बस काफी है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा देर प्लीज भुनाई ना की जाए इसकी, इसका यही मजा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है तकरीबन। ठीक है, और जायफल और जरा सा वनीला एसेंस भी इसी वक्त इसमें ऐड कर रहे हैं, या पहले भी आप शामिल कर सकते थे, इससे खुशबू इसकी बहुत मजे की आएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अंडे हलवा हो चुका है तैयार और वक्त यकीनन हमारे पास मुख्तसर है, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। उन 10 मिनट में हलवे की प्रेजेंटेशन करते हैं और पालक की यानी कि रेसिपी तैयार करनी है। पालक बॉयल हो रही है, अभी तक बॉयल भी नहीं हुई,
ठीक है, बॉयल करनी, फिर उसका सालन बनाना और सब कुछ इंशाल्लाह आपके सामने करके दिखाएंगे। बिल्कुल ड्राई कर लेना आपने परफेक्टली। ठीक है दोस्तों, इसमें हम निकाल लेते हैं ये हलवा। ठीक है, एक ले लीजिए दोस्तों, ये निकाल लें हलवा। देखिए कलर इसका हेल्दी भी और सेम्स अमेजिंग। ठीक है दोस्तों, ये अंडे का हलवा हो चुका है तैयार। गार्निश के लिए हम शामिल करते हैं जरा से जो खोया हमने रखा था ऊपर से टॉप पर, कुछ कोकोनट पाउडर टॉप पर ऐड किया, साथ ही पालक को भी जरा लाते हैं। और जरा सी कुछ बादाम है दोस्तों, आलमंड्स, इसको भी हम गार्निश के लिए शामिल करते हैं। दो पीस के ऊपर हम रखते जाएंगे। अब चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन हम इसको दो पीस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बादाम पिस्ते में शामिल करें टॉप पर। तो ये देखिए हमारा अंडे का हलवा हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं अगली रेसिपी की जानिब। पालक पनीर के लिए करना इस तरह से कि पालक जो बॉयल हो चुकी है उसे हम निकालते हैं पहले। ठीक है, और आपको प्रोसेस बताता हूँ किस तरह से करना है। दोस्तों इस पैन को बिल्कुल ड्राई कर लेना आपने। शामिल करते हैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल, पालक का मसाला कर रहे हैं तैयार। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल शामिल करना है कुकिंग ऑयल कोई आधा कप के बराबर, और साथ ही हम जरा प्याज एक उठाते हैं, दो पीस के प्याज के। स्लाइस किया, ठीक है दोस्तों। ऑयल के अंदर हम शामिल करें प्याज और इसे जरा ब्राउन कर लेना परफेक्टली जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ज्यादा कोल्स नहीं ले पा रहे क्योंकि वक्त मुख्तसर है, बट कुछ एक या दो ले लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। और प्याज के अंदर हम शामिल करें अदरक लहसुन पिसा हुआ एक दो और ये तीन खाने के चम्मच, जरा इसे ब्राउन करते हैं। और साथ ही कुछ टमाटर हम काट लेते हैं स्लाइस्ड। ठीक है, टमाटर लिया दो पीस के और ये स्लाइस कर लेना। ठीक है दोस्तों, दो पीस किए, उसके बाद से स्लाइस करें टमाटर को। मौजूद ही हमारे साथ हुमा बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल इकबाल साहब? जी परफेक्ट हुमा, आप बताइए कैसी हैं? जी ठीक ठाक, असल में मैं गई हुई थी, बस मैं अभी आई हूँ, मैंने अभी टीवी ऑन किया है। तो मैं समझी हलवा बना रहे मैं सूजी का, लेकिन वो पता लगा अंडे का हलवा है। अंडे का, बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। तो मैंने, मुझे आता नहीं है अंडे का हलवा। जी जी जरूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। जी 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 ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, प्याज अदरक से ब्राउन करने के बाद मैं टमाटर शामिल कर रहा हूँ। टमाटर के साथ ही द क्वीन ऑफ टेस्ट मलका के स्पाइसेस, सबसे पहले नमक। दोस्तों पालक
सॉल्टिश होती है, उसमें नमक की मकदार होती है, तो बैलेंस कर लीजिएगा। शामिल करते हैं पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 and 2 टीस्पून मलका फूड्स का, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून फुल, सफेद मिर्च ये भी एक चाय का चम्मच, ये आधा चाय का चम्मच, हाफ टीस्पून, और इसके बाद से दोस्तों आपने परफेक्टली मिक्स कर लेना। ठीक है, अब जो बॉइल हो चुकी है पालक निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉइल पालक निकाल लें। ठीक है दोस्तों, बॉइल पालक हम निकाल लेंगे। अच्छा दोस्तों, इसे पालक को जरा बारीक काट लेते हैं और इसे कोर को करते हैं रिमूव। ठीक है, और पालक यहाँ ले आते हैं और इसे बारीक किस तरह काटनी आपको बताते हैं। दोस्तों ये नाइफ से आपने इस तरह से आपने इसे रफ चॉप कर लेना है। कट लगाए 3, 4, 5, 6, फिर दूसरी जानिब से भी एक कॉलर भी मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सना रुकिएगा प्लीज, वेट कीजिएगा। दोस्तों टमाटर की बुनाई के बाद इसमें पालक ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने चॉप करके ऐड किया है। जी सना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस परफेक्ट, मजे में, बहुत खुश। क्या कहेंगी आप? मैं आपके प्रोग्राम की पहले तो तारीफ करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है। 2 दिन हमने बहुत मिस किया आपको, आपके प्रोग्राम को। जी जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये मोहब्बत है, आपकी प्यार है जी। मैंने ना चिकन कड़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी जी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आप रेसिपी हमें सिखाते हैं, बहुत अच्छी। जी जी जी, चलें थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है तो आपकी बताइए। चलें थैंक यू। अच्छा दोस्तों, इसमें बुनाई किस तरह जारी है, इस तरह से डिजोल्व करना है कि ये जबरदस्त इसका टेक्सचर अच्छा जाए। मसाले शामिल कर चुके थे मलका फूड्स के, जिसकी खुशबू बहुत ही आला, पेश करेंगे नान के साथ एंड कुछ इधर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आप दोस्तों इसे बहुत परफेक्टली करना है, ये इसका टमाटर और सभी चीजें रखे, खुशबू बहुत ही आला। जरा सी क्लीनिंग भी करते हैं, ठीक है, जो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और प्रोसेस जारी है। जारी भुनाई बहुत जरूरी है, जारी क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ती है और टमाटर भी, ताकि मेल्ट हो जाए। चलते हैं चीज की जानिब। इस तरह से आपने पीस करने, दोस्तों बहुत से लोग, बल्कि हम खुद भी रेस्टोरेंट होटल में चीज को फ्राई करके ऐड करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जो इसमें फ्राई नहीं कर रहे हैं, ऐसे शामिल कर रहे हैं। जाहिर दूध से बनी हुई थी, पहले से तैयार होती है, तो जरूरी नहीं से बहुत ज्यादा फ्राई किया जाए। और ये भी बहुत जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी की चीजों, बाज़ुकात जो चीज आप यूज कर रहे हैं, जो पनीर आप यूज कर रहे हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा शामिल किया गया होता है, जिसकी वजह से जब आप फ्राई करते हैं तो टूटने लगती है। तो मेक श्योर कीजिए कि जो आप यूज करें अच्छे ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की। और पालक पनीर हमारी जस्ट अबाउट रेडी, इसमें क्रीम भी ऐड करनी है, प्रोसेस जारी है। साथ ही इसमें सूखी मेथी भी शामिल कर रहा हूँ,
एक चाय का चमचा सूखी मेथी और बस जैसे ही तैयार हो उसके बाद निकालते हैं और साथ ही ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम भी लगभग 1 कप के बराबर शामिल कर रहे हैं फ्रेश क्रीम। ठीक है दोस्तों इसे मिक्स कर लेते हैं जी। और दोस्तों जवाब भी बताते हैं आपको और क्रीमी टेक्सचर देखिए मजे का देख सकते हैं आप। कुछ देर आपने मजीद भुनाई करनी वक्त नहीं था इसलिए हम प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। बाकी सवाल पूछा दुनिया की तेज तरीन फिश कौन सी है तो दोस्त जवाब है दोस्तों मार्लिन। ठीक है MARLIN इज द फास्टेस्ट फिश जिसकी चोंच जो बहुत लंबी होती है जिस फिश की और 80 माइल्स पर आवर उसकी स्पीड होती है। ठीक है जो काफी तेज है ये दुरुस्त जवाब है और हम सोच ज्यादा कॉल्स ना ले पाए लेकिन प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। लेकिन दोनों रेसिपीज हमारी फाइनल तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों चूल्हा बंद कर रहे हैं और जब आप बनाएं तो कुछ देर आप और कुक कीजिएगा। ठीक है लेकिन वैसे भी ये जबरदस्त है। चूल्हा कर चुके हैं बंद निकालते हैं। दोस्तों ये मकई की रोटी या बाजरे की रोटी किसी और नान के साथ ही सर्व कर सकते हैं। जरा सी ये पनीर हमने फ्राई नहीं किया एज इट इज शामिल किए क्योंकि क्यूब्स और छोले दूध से बनी हुई और वैसे तैयार होती है जैसे कि आप जानते हैं। तो दोनों चीजें हो चुकी है तैयार वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। डायरेक्ट विद यू ऑल जरूर ट्राई कीजिए दोनों रेसिपीज और कुछ मिर्चे भी रख सकते हैं आप। दोस्तों और साथ लेते हैं इजाजत नान लिया थी ना। दोस्तों नान देखिए बहुत मजे के हलवा आ गए और दोनों चीजें हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों लेते हैं इजाजत खुश रहे शाह आबाद ने जरा सी क्लीनिंग और 6 से 7 लाइव रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक अंडे का हलवा और ये दोनों रेसिपीज थ्रू आउट दी वीक आप सर्दियों के हवाले से बेस्ट रेसिपीज इंशाल्लाह आप जान सकेंगे। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का खुश रहें शाद आबाद रहें इतना ही कहेंगे दोस्तों। इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।